सुबह का सारा काम वगैरह हो चुका है और आज मम्मी और मैं मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं तो अब निकलते हैं घर से। मम्मी और मेरी आधी शॉपिंग हो चुकी है, बाकी आधी और रह बाकी थोक वाली दुकान से ना बिंदी के पैकेट लेके आए, क्योंकि यहाँ 1 ही 8 का देते हैं ये। मम्मी और मैं निकल गए हैं पानी भरने के लिए और ताई हमको आगे मिलेंगी, क्योंकि वो इससे हो गया था, अभी तो कहीं नहीं लगाने हैं बैंक। सीधा सीधा हो गया, अरे गले फंसेगा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से, और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से। अक्सर मैं यहीं से ब्लॉग बनाती हूँ। और आज का जो मौसम है, फिलहाल अभी लगे हुए हैं बादल, तो आपको मौसम दिखाते हैं। और आज है 6 तारीख, आज हमारे यहाँ मना रहे हैं जन्माष्टमी, तो किसी के यहाँ कल है किसी के यहाँ आज है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब आपको मौसम दिखाते हैं और उसके बाद नीचे जाते हैं, क्योंकि मम्मी और मेरा फास्ट है, बाकी पापा जी और अमित का फास्ट नहीं है, तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आ चुकी हूँ मैं किचन में और अब ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी तो मतलब रात की चल जाती है, क्योंकि ठंडा ही रहता है मौसम यहाँ। बाकी अब फटाफट से पराठे बनाते हैं। और आज भी सुबह सुबह ना मम्मी ने इतने सारे खीरे तोड़े, मतलब हमने खीरे की झील में देखा भी था, पूरे अजीब वो नहीं जाते जो रायता बनाने वाले खीरे होते हैं वैसे हो गए हैं पूरे येल्लो येल्लो, क्योंकि उनका सलाद तो खाते नहीं, अंदर से थोड़े हल्के हल्के खट्टे होने लग जाते हैं। तो आज भी मम्मी ने बहुत सारे तोड़े थे, और कल भी और परसों भी तोड़े थे। तो हमारे 2 टोकरी तो पहले से थे, 1 टोकरी फिर से और हो गए हैं, तो मतलब बहुत सारे हो गए हैं। अगर कोई बेचने वाला होता तो वो बेच लेता, पर हम लोग ऐसे बेचते वगैरह नहीं है ना, तो ऐसे ही दे देते हैं जो भी आते हैं उनको खीरे वगैरह। जो मैं येलो येलो खीरे कह रहे थे ना, देखो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, पता ही नहीं चला इनका। अब इनका रायता ही बनाएंगे, और बाकी यहाँ है वो भी दिखाते हैं आपको। ये सारे मम्मी ने आज एक ही झील से तोड़ रखे हैं, ये है। अब शुरू करती हूँ नाश्ता बनाना, फटाफट से बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। सुबह का सारा काम वगैरह हो चुका है और आज मम्मी और मैं मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है तो कपड़े भी खरीदने हैं। और बाकी बहुत टाइम से शॉपिंग करी नहीं थी, वही सूट पहले की हो रही थी पुरानी पुरानी सारी, तो हमने सोचा चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं। और मेरी सेकेंड सैलरी भी आई गई है तो जा रहे हैं। और पिछली बार मैं पतिदेव के साथ गई तो थी सूट लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब मेरे को सूट लेने आती नहीं है ना, शादी से पहले मैंने बहुत कम सूट पहन रखी है, मतलब जब कुछ होता था पूजा पाठ या ऐसी चीजों में ही पहन रखा है ज्यादातर, तो तभी मेरे को अंदाजा नहीं है सूट वगैरह का, उस दिन तभी ले नहीं पाई। आज मम्मी साथ आ रही है तो मम्मी बताएंगे ना कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, कैसे लेनी है, मुझे अंदाजा नहीं कपड़े वगैरह का। बाकी तैयार होते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। फाइनली हो चुकी हूँ मैं तैयार, और मम्मी ने धूप बत्ती दिया सब लगा दिया था भगवान जी को, क्योंकि आज जन्माष्टमी का फास्ट है। और मैं नाश्ता वगैरह बनाती तो मैंने टीका वगैरह लगाया भी नहीं, और भगवान के आगे हाथ भी नहीं जोड़ के आई, तो एक बार भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के आते हैं और फिर उसके बाद मम्मी से टीका लगवाऊंगी। मम्मी भी तैयार हो ही गई है, नीचे ही जाती हूँ सीधे अब। तो अब निकलते हैं घर से, मम्मी भी हो गई तैयार और टीका भी लगा दिया, बाकी अब जाते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई है। ये हमारे साथ आने के लिए कैसा कर रहे हैं? आ मम्मी और मेरी आधी शॉपिंग हो चुकी है, बाकी आधी और रहती है तो वो कर लिया है। ये जयपुरी कॉटन है, इसका देखो धोने से हल्का फुल्का इनका कलर चल। तो शॉपिंग वगैरह करके हम पहुंच गए हैं घर, और आज बहुत सारे कपड़े खरीदे, मतलब मैंने 2 घर के लिए खरीदी, 2 जोड़ी सूट और 2 जोड़ी इधर उधर के लिए। एक मम्मी ने खरीदा मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट, पहले ही दे दिया मतलब बर्थडे आने से पहले ही। मम्मी ने इस बार भी मेरे लिए नायरा सूट लिया तो वो फिटिंग करने के लिए दिया है, और बाकी 3 जोड़ी सूट मैंने खुद अपने पैसों से ली, क्योंकि पेमेंट भी आ गई थी और पहले भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था। तो 2 जोड़ी घर के लिए और 1 वैसे इधर उधर जाने के लिए लिया, तो 3 और 4 सिलाने के लिए दे रखे हैं,
और वो आएंगे अब 12 तारीख को, तो 12 तारीख को ही दिखाऊंगी अब मैं आपको। बाकी थोप वाली दुकान से ना बिंदी के पैकेट लेके आए, क्योंकि यहाँ 1 ही 8 का देते हैं ये, लेकिन मैं 10 के 4 लेके आ गई, ये 4 लेके आई, 10 के मिल गए थे। और 2 सिंदूर के डब्बे भी लेके आई, ये भी 20 के मिलते हैं, और थोप वाली दुकान में 15 के मिल जाते। और एक जोड़ी स्लीपर लेके आई ये वाले, क्योंकि मेरे ना जो स्लीपर है वो सारे पुराने हो गए हैं, टूटने वाले हैं, जो हल्की हल्की नस बची रहती है वही बची है उनमें। और चादर भी लेके आई एक, और बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ। एलोवेरा जेल, केसर जेल है ना, मैं ये यूज करती हूँ क्रीम के अंदर से, तो ये भी खत्म हो गया था मेरा। और एक ये सॉक्स भी लेके आई, जब हम शाम को वॉक करने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे सॉक्स भी वो ऐसे पुराने हो गए थे, तो एक ही जोड़ी लिया अभी फिलहाल। और मैंने सूट एक स्काई ब्लू कलर की ली है, और 2 तो घर में की ऐसी हैं, और नायरा सूट कैसी है ये आपको उसी दिन दिखाएंगे, क्योंकि वो मम्मी की गिफ्टेड वाली है, तो जब वो आएगी तब दिखाऊंगी उसको। तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं, और बाकी अब नीचे जाते हैं। और दिन का खाना तो नहीं बनाना है, क्योंकि पापा बिरयानी लेके आ गए थे और मोमो भी लेके आ गए थे, तो पापा और अमित ने बिरयानी और मोमो ही खा लिए। बाकी अब नीचे जाती हूँ और फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि मार्केट गए थे तो फ्रूट्स वगैरह मैंने खा लिए थे। और उसके बाद ऊपर आई, और बंदर भी आ गए थे आज, बंदरों ने बहुत परेशान करा, लेकिन हमारे ककड़ी तो बच गए, मक्के वक्के सब खा लिए आज बंदरों ने, और बगल वालों के तो सारे ककड़ी लेके चले गए। उसके बाद सो गई थी थोड़ी देर के लिए, अब उठी हूँ। बाकी नीचे जाते हैं, और आज भी पानी भरने जाना होगा शायद, क्योंकि पानी तो होगा नहीं, देखते हैं नीचे ही जाके। और थोड़ी देर फोन को चार्ज में भी लगा देती हूँ, क्योंकि फोन में चार्ज भी नहीं था, मैं भूल गई थी सोते टाइम, और लाइट भी चली गई थी, तो अभी आई है लाइट। फिर उसके बाद मिलते हैं आपको चार्ज करके थोड़ी देर बाद। तो पानी भरने के लिए हम हो गए तैयार, और अब शूज पहनने हैं, उसके बाद जाते हैं पानी भरने के लिए। फिर शाम के खाने की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि आज फास्ट है, तो थोड़ा जल्दी बना लेंगे शायद, खाएंगे तो वही 9 बजे खाते हैं हम। और अभी का मौसम दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रहा है, बादल लगे हैं और बादलों के बीच में पूरा सूरज छुप रहा है। मम्मी और मैं निकल गए हैं पानी भरने के लिए, और ताई हमको आगे मिलेंगी, क्योंकि वो घूमने के लिए गई हैं, तो वहीं मिलेंगी हुड़कन्ना में। तो पानी वगैरह भर के हम आ गए हैं घर, और अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी। और आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी टमाटर वाली, और रायता बनाएंगे, क्योंकि खीरे और ककड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी, और बनाएंगे पूरी। हमारी सब्जी और रायता बन गया है, और अभी तो 7:15 ही हो रखे हैं, तो अब पूरी सीधे 8:30 बजे बनाएंगे। मम्मी ने आटा भी गूंद लिया है पूरी के लिए। अच्छे से लाते हैं यार, इतना प्यार से पिला रहे हो, इसके सर मारे हो, अच्छा नहीं आ रहा, फिर से बना रहे हो। जाओ क्रीम लगाओ फिर एक बार। नहीं कल जन्म मारे ना अपनी। हमारे खरगोश के बच्चों को शायद ना दूध नहीं पहुंच रहा है, तो बेचारे मतलब मर रहे हैं, और अभी मम्मी उसको दूध पिला रही है गाय का ही, वो रुई से लगा के, तो दिखाती हूँ कैसे पिला रहे हैं उसको दूध। पहले 2 ही बूंद खाई हमने हर शिधर अभी। शिधर है ना, वो गले में फंसेगा। और थोड़ा फिर नीचे रख देना। तो आज जन्माष्टमी भी थी, तो जन्माष्टमी में मेहंदी लगाना शुभ मानते हैं, तो मम्मी और मैं मार्केट से मेहंदी भी लेके आए थे, तो मेरे को आती तो नहीं है, पर लेकिन मैंने ऐसे लगा ली जैसी भी हुई, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मेहंदी खुद से लगाने रखी है, और बहुत टाइम लग जाता है मुझे मेहंदी लगाने में। तो रात का खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक ले सभी को बाय बाय।